भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ट्रेलर आ गया है। अगर आपने ये ट्रेलर नहीं देखा है तो भाई जाइए और देखिए, क्योंकि वाकई बहुत बेहतरीन ट्रेलर है। और तो चलिए इस ट्रेलर का रिव्यू भी कर लेते हैं और आपको बता देते हैं क्या खास खास है इस ट्रेलर में। तो पहले बात कर लेते हैं कि दिनेश लाल यादव निरहुआ, आम्रपाली दुबे, अयाज खान, संजय पांडे, शमीम खान जैसे कई दिग्गज अभिनेता आपको इस फिल्म में दिखेंगे। कई ऐसे कलाकार दिखेंगे जिन्हें देखने के बाद आपको यह फिल्म नहीं एक बहुत ही बेहतरीन जर्नी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को और बताते हैं कि क्या खास है। पहले बात कर लेते हैं फिल्म के डायलॉग की। जी हाँ, फिल्म का डायलॉग इस कदर आपको बता दे दमदार है कि वन लाइनर के लिए तो भाई बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है। जैसे कि पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने जब निरहुआ बैठते हैं, पुलिस उनसे कहता है कि क्या तुम कानून को कमजोर समझ के रखे हो। तब दिनेश लाल यादव निरहुआ कहते हैं, अगर कानून कमजोर नहीं होता तो हमारी औकात नहीं थी आपके सामने बैठने की। आपको बता दें कि इस फिल्म में दिनेश लाल यादव निरहुआ एक दबंग विधायक, दबंग निर्दलीय विधायक की भूमिका निभाते नजर आएंगे। एक ऐसा विधायक जो कि भाई रॉबिन हुड पांडे से मिलता जुलता है। खैर, आपको बताते हैं एक्शन सीन की बात, तो भाई एक्शन सीन दमदार है। ज़्यादा उबाऊ एक्शन नहीं है जैसा कि अमूमन भोजपुरी फिल्मों में हमेशा होता है, जिग जाग जुक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्शन ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल सटीक ढंग से यूज किया गया है। इसमें आम्रपाली और दिनेश लाल यादव निरहुआ की एज यूजुअल जोड़ी है, केमिस्ट्री भी अच्छी है, गाने भी ठीक ठाक हैं। वैसे पूरी मसाला फिल्म है, आप यहां एक्शन, कॉमेडी, रोमांस सब कुछ देख सकते हैं। निरहुआ का एक ऐसा अंदाज जिसे देखने के लिए लोग काफ़ी दिन से बेताब हैं। वैसे एक तरह से बात की जाए तो निरहुआ राजनीति में भी धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं, तो उस चीज़ को आप इस तरह से देख सकते हैं। आपको बता दें इस फिल्म में आपको निरहुआ जिस गेटअप में दिखेंगे, यानी कि व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट में, काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं। गेटअप की भी बात करेंगे तो भाई आम्रपाली को शुरू में जो गेटअप दिया गया है बहुत अच्छा है, फिर उसके बाद जो उनका लुक आता है वो भी बहुत बेहतरीन है। निरहुआ दिनों दिन भोजपुरी में अपने आप को इस तरह निखारते जा रहे हैं जिसका विकल्प आने वाले दिनों में भोजपुरी के पास नहीं होगा। वैसे खेसारी और पवन के विकल्प आपको भोजपुरी में मिल जाएंगे, लेकिन निरहुआ जैसी सीरियस एक्टिंग के विकल्प आपको शायद ही भोजपुरी में मिलेंगे। वैसे कॉमेडी जॉनर हो या फिर रोमांस का हो या फिर एक्शन, हर एक मामले में अक्षय कुमार की तरह निरहुआ भोजपुरी में फिट बैठते हैं। खैर, बात कर लेते हैं आगे फिल्म की स्टोरी की। तो भाई ट्रेलर देख के आपको समझ में आ जाएगा कि एक बंदा जो इंजीनियर बनने आता है और वो क्या बन जाता है बेरोजगारी के मारे। भाई आजकल देश की स्थिति किसी से छुपी नहीं है कि बेरोजगारी धीरे धीरे किस तरह बढ़ती जा रही है, वही एक समस्या को लेकर इस फिल्म में दिखाया गया है। किस तरह से एक नौजवान लड़का हजारों सपने सजो कर आता है और जब सपने टूटते हैं बिखरते हैं तो बिखर कर वो क्या बन जाता है, वो देश को क्या बनता देखना चाहता है, वो सारा मर्म इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। संतोष मिश्रा कैप्टन ऑफ द शिप है, यानी कि डायरेक्टर है फिल्म के, और ट्रेलर से ही समझ में आ जा रहा है भाई कि फिल्म बड़ी ही दमदार है। आने वाले वक्त में फिल्म की रिलीजिंग डेट जैसे ही सामने आएगी हम आपको बता देंगे कि फिल्म रिलीज कब हो रही है, लेकिन फिलहाल आप फिल्म के ट्रेलर का मजा लीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।